स्ट्रिंग ऑपरेशन में मेकर्स ने तनु दत्ता पर किया अश्लील कमेंट कहा पीरियड से हो रही गुजर रही होंगी तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच पनपिवाद अब दिनों दिन गहराता जा रहा है तनुश्री ने नाना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फिल्म हॉन ओके प्लीज के सेट पर एक गाने के शूट के दौरान उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया था जहां इस खुलासे पर बॉलीवुड के एक बार ने तनुश्री का सपोर्ट किया वहीं कुछ लोगों ने तनुश्री मामले में चुप्पी साध रखी है लेकिन तो हद तो तब हो गई जब हॉन ओके के प्लीज के मेकर्स ने तनुश्री पर कुछ अश्लील कमेंट कर दिए Почти. स्टिंग ऑपरेशन में आया है कि इस फिल्म के मेकर्स तनुश्री पर बहुत ही बड़े आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं पूरे मामले को पब्लिक स्टेंट बता रहे हैं हान ओके प्लीज के प्रोड्यूसर शामी सिद्दीकी ने तनुश्री द्वारा लाना पर लगाए गए जाम को कहा क्या मैं आपको सच बताऊं मुझे लगता है कि वह उस दौरान पेड़ से गुजर रही थी इसलिए वह शायद इरीटेट हो गई ऐसे वक्त में आपका जब थोड़ा कोई भी छोड़ा छूटता है तो फिर आपको परेशान हो जाते हैं मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ था क्योंकि मैं वहाँ नहीं था लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ था इस घटना के बाद वो अपने वैन में आई और वहाँ से बाहर नहीं थी वहीं फिल्म के डायरेक्टर राकेश सांग ने कहा तनुश्री दत्ता ने इल्जाम लगाया ताकि वो लाइन लेट में आ सकें और बिग बास में जाने का मौका मिल सके उन्होंने कहा कि अब लड़कियां अपने बेडरूम सेक्स वीडियोस भी इंटरनेट पर डाल रही हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है लोग अब सरेआम अपने कपड़े उतार रहे हैं उनकी सोच कुछ इस तरह की है कि अगर हम बदनाम भी हो रहे हैं तो क्या हुआ कम से कम पब्लिसिटी तो मिल ही रही है फिल्म के डायरेक्टर ने तनुश्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो इतना चिल्ला क्यों रही हैं और पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही हैं एसोसिएशन में के मेंबर और एफ के पूर्व चेयरमैन व एक्टर रजा मुराद ने तनुषी और उनकी कहानी को ओवर एक्शन बताया है और तो कहा कि तनुषी ओवर एक्ट कर रही हैं जबकि नाना पार्टी का बेहद संजन इंसान